हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिवास किचन। दोस्तों, आज की रेसिपी है बहुत ही टेस्टी मज़ेदार चना दाल वड़ा। दोस्तों, बहुत ही इजी है बनाने के लिए और खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए आज बनाते हैं चना दाल वड़ा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट। एक बाउल लेंगे दोस्तों, बाउल में 250 ग्राम चना दाल लेंगे दोस्तों। इसको पानी डाल के अच्छे से दो बार धो लीजिए। धोने के बाद हम इसमें पानी डाल के इसको 4 घंटे के लिए भिगो देंगे। 4 घंटे के बाद दोस्तों निकाल के बिना पानी डाले हुए मिक्सर जार में इसको अच्छे से पीसेंगे। इसमें थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल के हम इसको अच्छे से पीस लेंगे। कदड़िया ही पीसेंगे, ज़्यादा फाइन पेस्ट मत कीजिए। देखिए, ऐसे चना दाल रहना चाहिए, इसमें दिखना चाहिए। अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, थोड़ा सा चाट मसाला 1/2 टीस्पून, एक चुटकी हल्दी, थोड़ा गरम मसाला 1 टीस्पून, अदरक 1/2 टीस्पून, 2 से 3 हरी मिर्च बारीक कटा हुआ और थोड़ा सी धनिया पत्ते डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अच्छे से तो सब चीज़ को मिक्स करके देखिए। आप ये पूरा गरम तेल में दोस्तों, तेल को पूरा गरम कीजिए। तेल गरम होने के बाद गैस को स्विच ऑफ कर लीजिए। अब इसको वड़ा का शेप देके इस गरम तेल में डाल दीजिए। याद रखिए, गरम तेल होने के बाद गैस को बंद कर लीजिए, पूरे वड़े डाल दीजिए। जब भी वड़ा ऊपर आ जाएंगे तभी इसमें चम्मच लगा के अच्छे से मिलाइए। ऊपर से नीचे पलटिए, जब ये ऊपर आ जाएंगे तब गैस ऑन कर दीजिए। मीडियम से हाई फ्लेम में इसको पकाइए दोस्तों, और इसको चम्मच से ऐसे बीच में रख के घुमाइए, क्योंकि ये चारों तरफ इवनली पकेगा। देखिए, जब ये लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा, आपको 8 से 10 मिनट के अंदर ये पक जाएगा दोस्तों, तब निकाल लीजिए दोस्तों और गर्मा गर्म सर्व कीजिए। टमाटो सॉस, पुदीना चटनी, आप किसी की चटनी के साथ आप सर्व कर सकते हो दोस्तों। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ना मज़ेदार। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू वाला बेल आइकन दबा दीजिए दोस्तों, और लाइक ज़रूर करना दोस्तों, शेयर कमेंट भी ज़रूर कीजिए। अगर ये रेसिपी आपको अच्छा लगा दोस्तों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।